हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और मैं सौरभ पांडे आपको सीटेट की जो कल परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के विषय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। जी हां, कल परीक्षा हाल में जब आप लोग बैठेंगे कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, यू नो OMR शीट में आप क्या गलतियाँ करते हैं, क्या चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पहली बार में सीटेट क्लियर कर देंगे। इसके बाद पेपर में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं, प्रश्नों के प्रकार को कैसे जस्टिफाई करना है कि किस प्रकार का ये प्रश्न आपसे पूछा है और इस प्रश्न का आप क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए, यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओगे, 10 से 15 नंबर मार्क्स को उठाने में कामयाब हो जाओगे। और उसके बाद जब पेपर देके आओगे तब आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना कि हाँ सर, आपकी बताई हुई बातें ये बहुत काम आई परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले जब कल आप परीक्षा पर जाओगे तो समय से पहले पहुंचिए। आपका पेपर अगर 9:30 बजे से है तो आप परीक्षा सेंटर पर हर हाल में 9 बजे तक उपस्थित हो जाए, हर हाल में, इन एवरी कंडीशन, क्योंकि फिर आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, कोई दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट वहां पर जाइए, किसी से कोई ज्यादा विशेष बातचीत करने का मौका मत दीजिए अपने आप को, ना दूसरे से लीजिए। चुपचाप अपनी सीट पर बैठिए, आपको 10-15 मिनट पहले OMR शीट और पेपर मिल जाएगा भरने के लिए, कि आप रोल नंबर वगैरह बढ़िया से भरें। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो आप अपने परीक्षक से पूछ सकते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है आप कमरे में आपके, तो उनसे आप पूछिए। लेकिन OMR में अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कभी गलत मत भरें। अपनी भाषा को देखें कि आपके एडमिट कार्ड में कौन सी भाषा चयन की गई है और वो पेपर में किस जगह पर है। जैसे भाषा वन की हिंदी, अब पेपर वन में भाषा वन की जो हिंदी होगी वो 91 से शुरू होगी, आप सबको पता है। भाषा टू की हिंदी जो होगी वो 121 से शुरू होगी। तो आपको अगर पेपर वन में भाषा हिंदी चयन किया वन में, तो 91 से 120 वाले सॉल्व करने हैं आपको। उस हिंदी के सेक्शन में लिखा भी रहेगा कि अगर आपने भाषा वन के रूप में हिंदी का चयन किया है तो आपको 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों के जवाब देने हैं यहां पर। भाषा टू में लिखा रहेगा कि अगर आपने भाषा टू के रूप में हिंदी भाषा का चयन किया है तो आपको इसका करना। इसी तरह अंग्रेजी के साथ है, इसी तरह संस्कृत के साथ है, इसी तरह अन्य रीजनल लैंग्वेज के तो अलग से पेपर मिलते हैं अगर आपका है तो। तो दोस्तों, सीटेट की इस परीक्षा में क्रैक करने के लिए, इस महाजाल को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समय। अब बात करूंगा मैं समय पर। आपके पास कितना है, 150 मिनट। इस 150 मिनट में आपको कितना करना है, 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चन पर अगर आपका ध्यान जाएगा तो भैया आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आपको अगर आता है तो 5 सेकंड 10 सेकंड में जो आपका पढ़ने का टाइम लगा समझ में आया, देखते ही अगर समझ में आ गया कि हाँ भाई इसका उत्तर ए है, बी है, ये मुझे आ रहा है, 100% श्योर हूं मैं इस पर, उसे वहां पर आप जो है लगा दीजिए कि आपका सही जवाब जो है वो आप वहां पर लगा दीजिए। अच्छा, सही जवाब लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि टाइम जो है वो काफी ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी जब पहले राउंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और कोई क्वेश्चन आपको फंसा दिया, मैथमेटिक्स का ले लीजिए या बाल विकास की परिभाषा सिद्धांत में ले लीजिए कि कोई सिद्धांत ऐसे घुमा के आपको पूछ ले लिया, या किसी क्वेश्चन पर आप ऐसे रुक गए कि आपको चारों ऑप्शन लग रहा है कि यार ये सही है, तो उस पर ज्यादा टाइम खपाने की आवश्यकता नहीं, उसे अभी स्किप करिए। आप अभी एग्जैक्टली जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 50, 60, 70, 80 आउट ऑफ 150, वो आप पहले OMR में डालिए। इससे क्या होगा कि जो आपके सॉलिड क्वेश्चन हैं जिन पर आपको नंबर मिलने हैं, इनके नंबर आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे, समझ गए? नहीं तो ऐसा होता है कि हम जब सवालों में उलझ जाते हैं तो आगे जब टाइम कम रहता है तो हमारे जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जो एक्चुअली हमें आते रहते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते ज्यादा, समय मैनेजमेंट के कारण कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। तो एकदम आप कोशिश करिए कि परीक्षा में 2 घंटे में जो शुरू के हैं उनमें आप लगभग सारे प्रश्नों को टच कर लें, तब भी आपके पास आधा घंटा बचेगा उन प्रश्नों के लिए जिनके जवाब आपको नहीं पता है। मिनिमम 2 घंटे, मान के चलिए कि आपको 100 मिनट में
100 क्वेश्चन टच कर लेना है। तो अगर 100 क्वेश्चन, 90 से 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप 100 मिनट में इन प्रश्नों को टच कर लेंगे। गद्यांश पद्यांश को पढ़िए, जो समझ में आए सॉल्व करिए। ये तो हो गया मतलब एकदम दिमाग वाला राउंड कि हाँ भाई मुझे ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे और कम टाइम में मैंने 80-90, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन पर एक मिनट नहीं लगता, ये आप सबको पता है। अगर वो प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो इस तरह से दो बेनिफिट है, आपका समय और आप एक बार पूरे पेपर का चक्कर भी लगा लोगे, आपके माइंड में ये भी आ जाएगा कि पेपर आपका कैसा आया है, ठीक है। तो इसी एक चक्कर में आप पेपर को भी समझ लोगे। अब फिर कुछ प्रश्न बचता है, जैसे कुछ प्रश्न होते हैं सीटेट की परीक्षा में कि उनमें विचारणीय प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में समस्या रहती है, उस समस्या को अपने ऊपर लीजिए और सोचिए कि हाँ मैं अध्यापक होने के नाते इस समस्या का एक बेहतर निदान क्या कर सकता हूं और उसी निदान को प्रस्तुत करिए वहां पर, जो आप कर सकते हैं, जो आपको एकदम परफेक्ट लगे कि आपके विद्यार्थी के लिए भी सही है, विद्यालय के लिए भी सही है और आपके शिक्षक होने के नाते वही ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप सही चयन करें। लेकिन जब आप समस्या को समझ जाएंगे तब अच्छा। दूसरा प्रश्न का प्रकार ये होता है दोस्तों कि सीटेट एग्जाम में जो बड़ा ऑप्शन रहता है, ध्यान देना, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा और उसमें एक बड़ा सा ऑप्शन है जो कि सबसे बड़ा है, बाकी तीन ऑप्शन से बड़ा है, लेंथ में 2 लाइन का है, 3 लाइन का है, उस ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए और प्रश्न को ध्यान से देखिए, जरा मैच करवाइए ऊपर नीचे, प्रश्न में कही गई बात को क्या वो उत्तर संतुष्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसके अलावा कोई दूसरा सही जवाब नहीं होगा। ये दूसरी टेक्निक है, तुक्का जैसी कोई चीज सीटेट में काम नहीं आती, मैं आपको बता दूं, यूपीटेट में आ जाएगी, सीटेट में नहीं आएगी। सीटेट विचारों का मंथन चाहता है, सीटेट आपकी योग्यता देखता है कि आप कितना चीजों को समझते हैं, रटी हुई चीजें नहीं। तीसरी चीज, कोई कोई क्वेश्चन रहता है उसमें ऑप्शन ए और बी दोनों, तो जरा ए और बी दोनों को देखिए और प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न जो चाहता है ए और बी दोनों में वो बात है, ये आपका विवेक आपको बताएगा कि दोनों में वो बात है या नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ए और बी दोनों में वो बात कही जा रही है जो इस क्वेश्चन को संतुष्ट करे आपके विवेक से, तो ऐसे ऑप्शन के लिए जा सके। ऑल ऑफ दी एबव के साथ भी यही कंडीशन है, ठीक है। अब दो चीजें और बचती हैं प्रश्नों में ही, प्रश्नों के प्रकार में एक होते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन, एक होते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन इन द सेंस आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के दिए गए सिद्धांत में से एक सही है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही है। अब आपने अगर प्रगतिशील शिक्षा का या बाल केंद्रित शिक्षा का या किसी भी टॉपिक का जरा सा भी पॉजिटिवली अंदाजा है, और इतना अंदाजा रहता है, आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, इतना ट्रेनिंग किया है, इतना अनुभव, तो इतना अंदाजा रहता है पॉजिटिवली कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एक पॉजिटिव आंसर निकल जाए, क्योंकि वहां पर तीन चीजें ऐसी रहेंगी जो उसका उत्तर नहीं रहेंगी, तीनों चीजों में निगेटिविटी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो उस उत्तर को संतुष्ट करेगा, उस उत्तर को पॉजिटिवली संतुष्ट करेगा और वही उत्तर आपका सही उत्तर होगा। अब इसी के उल्टा आ जाइए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेगा कि कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा शिक्षा का आधुनिक मॉडल में नहीं आता, या बाल विकास के सिद्धांतों में कौन सा नहीं आता, नहीं आता। अब अगर आपने इस नहीं आता को सीरियस ले लिया तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, ऑप्शन में आपको यह ढूंढना है नहीं आता में से कि यहां पर तीन चीजें होंगी जो उस सिद्धांत में आएंगी, उस क्वेश्चन को संतुष्ट करेंगे, लेकिन कोई एक होगा जो निगेटिव होगा, तो निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ऑप्शन, पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव ऑप्शन कैसे ढूंढना है, अपने विवेक से ढूंढना है आपको, तब जाकर के आप इन समस्याओं से निजात पाओगे, तब जाकर के आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज दोस्तों राम जी की चिड़िया राम जी का खेत है, जो लगा के आओ सब भर भर पेट वही है, तो नंबर भी उसी तरह से मिल जाएगा। तीसरी चीज आपको देखना है कि एनर्जी लेवल, पेपर में बैठते ही आपके अंदर एक गजब का उत्साह होना चाहिए और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पेपर आप 100% क्रैक करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए।
तो जो एनर्जी लेवल आप स्टार्टिंग में रखते हो बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व, क्योंकि वहीं से हम उठते हैं, पहले क्वेश्चन बाल विकास से सेक्शन आधारित रहता है, वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो एनर्जी का लेवल हमारा गद्य पद्य में हम सीरियस नहीं हो पाते। अब गद्य पद्य में अगर सीरियस नहीं हुए तो 15 नंबर 15 नंबर 30 नंबर की बात है गद्य पद्य। अगर आपने इसको साधा नहीं तो हो सकता है कि 2-4 नंबर आप पीछे आ जाए क्वालिफाइंग मार्क्स से। और अगर आपने गद्य पद्य साध लिया तो अगर आपका फैक्ट में नहीं पता था या वैसे नहीं पता था तो गद्य पद्य आपका स्कोर उठा के 100 पार फेंक सकता है। समझ गए? तो 30 नंबर मैंने दो भाषाओं में 15-15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहता है सीटेड एग्जाम में। इस कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपने समझ लिया, उसके भावार्थ को समझ लिया, चाहे कविता हो या गद्य हो, सबसे पहले सही उत्तर लगाने के लिए जो आपसे अवतरण दिया है, जो गद्य दिया है, जो पद्य दिया है, उसके भावार्थ को समझना जरूरी है। उसके भावार्थ को अगर आपने पकड़ लिया कि हाँ ये गद्य किस बारे में है और इस गद्य के जरिए क्या मैसेज, तो मैसेज और पद्य के मैसेज को समझकर भावार्थ को उत्तर देना है। दोस्तों माफी चाहता हूँ कि वीडियो यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन कल जाइए परीक्षा देकर के आइए, जितनी चीज़ें मैंने बताई उतना फॉलो करिए और उसके बाद आकर के कमेंट करिए इस वीडियो पर कि आपका पेपर कैसा गया। तो ऑल द बेस्ट, विश यू आई हैव यू।